अरे दोस्तों, मैं हेमंत पारे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये बात है गुड़गांव की। वहाँ पे एक पर्सन अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेके आइडल खड़ा हुआ था रेड लाइट पे, और वहीं एक पुलिस वाले ने उसका चालान बना दिया साउंड की वजह से। तो क्या उसके साथ ये ठीक हुआ या गलत हुआ, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या फिर साइलेंसर्स अलाउड है या लीगल है? तो उसका सिंपल आंसर है दोस्तों, नहीं। गवर्नमेंट ने आफ्टर मार्केट किसी भी टाइप के एग्जॉस्ट सिस्टम को इंडिया में इलीगल का टैग दिया हुआ है। आप कोई भी तरह के का एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट नहीं लगा सकते हैं। गाइस, दूसरी बात यहाँ पे यह है, अगर इंडिया में ऑलरेडी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यहाँ पे इलीगल किए हुए हैं, तो क्यों वहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट जो है उसे इम्पोर्ट करने पे बैन नहीं करती? क्यों वहाँ पे अलाउड करते हैं कि हाँ आप इम्पोर्ट कर सकते हो? तो मुझे जो लगता है इसके पीछे का रीज़न है कि वहाँ से इन्हें एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी के तौर पे उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जो कि आपको 40.8%, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज है, वो आपको पे करनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट के सीधे सीधे अकाउंट में जाता है। तो वो इसलिए इन सब चीज़ों को कभी बैन नहीं करेगी, लेकिन हाँ इंडिया में आते ही वो इलीगल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर करें। तो दोबारा गाइस, हम बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन के पर कि उस पर्सन के साथ ठीक हुआ या गलत हुआ। तो यार, उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो बाइक का साउंड लेवल था साइलेंसर का, उसका था 80 डेसिबल, और करेक्ट 80 डेसिबल इंडिया में परमिटेबल है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो यार आपका चलान ऑब्वियसली बनेगा, और अगर आपका चलान बन रहा है जबकि आपका 80 डेसिबल से भी ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप उनको प्रूफ कर सकें। तो बात करते हैं कैसे बच सकते हैं इन सभी चलाने से। तो गाइस, इसके पीछे सिर्फ एक ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, कि जो कि है कि ऑटोमेकर्स की तरफ से आने वाले ही एग्जॉस्ट अपनी बाइक्स में फिट कराएं। उसके अलावा यार कोई जुगाड़ मत कराओ यार प्लीज़, क्योंकि आजकल BS6 इंजन में कैटेलिटिक कन्वर्टर आता है, वो लोग हटवा लेते हैं और अपने एग्जॉस्ट फिट करवा लेते हैं। और BS6 के नॉर्म्स के चलते हुए इंजन में कैटेलिटिक कन्वर्टर जरूर होना चाहिए। अगर वो हटवा लिए तो आपकी जो व्हीकल है वो उस कैटेगरी से ही आउट हो जाता है यार। तो ये प्लीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिए। और कुछ लोग कहते हैं डेसिबल किलर लगवा लेते हैं, यार वो करवा तो सकते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो दोबारा दुगना चलाना आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी RTO से अप्रूव नहीं है। तो गाइस, इस चीज़ से ज़रूर ज़रूर बचें। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर पसंद आए तो यार एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।